ईवीएम के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और पार्टी इस मुद्दे को लेकर अब सड़क पर उतर गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो चुनाव आयोग का दफ्तर है ठीक उसके सामने किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता है जिनके हाथ में उनके होर्डिंग्स है और जिसमें पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुई है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि ये वोट चोरी बंद हो। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हैं, विशेष रवि जी है करोल बाग से। अभिषेक जी, आज इस मुद्दे को आप सड़क पर लेकर आ गए, अभी दो दिन पहले आप इसको सदन पर लेकर गए थे, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तक पूरे देश में ये चर्चा थी कि ईवीएम में गड़बड़ है। दो दिन पहले तक जब तक सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने जो डेमो दिया है विधानसभा के अंदर, उससे पहले दबे स्वरों में चर्चा थी कि ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन दो दिन पहले विधानसभा के अंदर डेमो के बाद से पूरे देश में ये फैल गई ये बात, ये लोग जो जिनको डाउट था वो श्योर हो गए हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर गड़बड़ है और उसी की मांग को लेकर आज हम सड़क पे आ गए हैं। ये प्रदर्शन चलेगा, लंबा चलेगा, जब तक चलेगा जब तक इलेक्शन कमीशन अपने ईवीएम मशीनों को ठीक नहीं कर लेगा, वापस नहीं कर लेगा और ठीक से लोकतंत्र के चुनाव नहीं कराएगा। आप विधायकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया आज ईवीएम के खिलाफ वो यही खत्म नहीं होगा, लंबा होगा। मेरे साथ सोम दत्त भी है जो आम आदमी पार्टी के विधायक है सदर बाजार से, क्या मांगे हैं आज आपकी इस प्रदर्शन के जरिए? देखिए, हमारी ये मांग है कि ईवीएम मशीनें जिनमें छेड़छाड़ संभव है और छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि इस तरीके से जो रिजल्ट आते हैं ये कभी एक तरीके से न्यूट्रल तरीके से नहीं आ सकते। दुनिया के विकसित देश जो ईवीएम बनाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ भी बैलेट से वोट होती है। तो हमारी यही मांग है हिंदुस्तान के अंदर भी या तो बैलेट से वोटिंग हो, ईवीएम मशीनों में मैनिपुलेशन बंद हो और इसकी पूरे तरीके से जांच कराई जाए, इस पर रोक लगाई जाए ताकि डेमोक्रेसी में बिल्कुल फेयर तरीके से फ्री तरीके से इलेक्शन वोट पोल हो सके और लोकतंत्र की जीत हो। क्या कल जैसे एक मीटिंग बुलाई है तमाम राजनीतिक दलों की, आपको नहीं लगता कि उसका इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद ये आंदोलन और ये प्रदर्शन शुरू करने चाहिए थे? ये कल जो होगा वो तो वहाँ पर साबित किया ही जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बात जो पहले दबे स्वर में लोग कर रहे थे वो उजागर हो गई है। इलेक्शन कमीशन की नाकामी, इनकी केंद्र सरकार से मिली भगत होने का सबूत जो है सामने आ गया पब्लिक के लिए, इसलिए हम सड़क पे आए कि इलेक्शन कमीशन जाग जाए, आप बदमाशी ना करें, मशीनों को ठीक कर लें और लोकतंत्र में ईमानदार से चुनाव किया जाए, इस मांग को लेकर हम यहाँ पर। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, पार्टी की तरफ से कल ये कहा जा रहा था कि गोपाल राय जी आएंगे, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन होगा, साथ में जो पार्टी के तमाम विधायक है वो भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर विधायक अभी नजर नहीं आ रहे। अभी आ रहे हैं, गोपाल राय जी आ चुके हैं, बाकी साथी भी आ चुके हैं। दो मूल प्रश्न है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। मूल प्रश्न एक जो भिंड में जो हुआ है मशीनों के साथ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है और विधायक जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनका जो ईवीएम को लेकर ये प्रदर्शन है ये यही रहेगा और दो बड़ी मांगे इनकी तरफ से की जा रही है। रही बात की पार्टी के ज्यादातर विधायक इस प्रदर्शन में क्यों नहीं शामिल हुए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से ही फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। कैमरामैन अजीत के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।